हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th. टुडेज वी डिस्क्राइब द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स एंड टॉपिक्स पॉलीसेकेराइड्स. तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक पॉलीसेकेराइड को डिस्क्राइब करेंगे. अब इसमें देखेंगे पॉलीसेकेराइड क्या है. इसके पहले हम लोगों ने मोनोसेकेराइड देख लिया, डाइसेकेराइड हमने देखा, अब हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स. तो पॉलीसेकेराइड जैसे आप यहाँ नेम ही देख रहे हैं, पॉली मीन्स होता है मेनी और सेकेराइड मीन्स होता है शुगर. जिससे मेनी शुगर मीन्स मोर देन 10 नंबर. अगर हम जो है पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करें और मोर देन टेन नंबर मोनोसेकेराइड का मिले, किसका? मोनोसेकेराइड, तब उसको हम कहते हैं दैट इज पॉलीसेकेराइड्स. तो चलिए पॉलीसेकेराइड में लोग देख लेते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स में है क्या. वैसे पॉलीसेकेराइड आप जानते हैं दैट इज वाटर इनसॉल्युबल्स. इसकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक. और इसके साथ साथ ये क्या है, टेस्टलेस है, क्लियर. और थर्ड पॉइंट हम देखें कि आयन हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स. तो स्टूडेंट्स, अब पॉलीसेकेराइड का हम लोग देखते हैं किसके इंक्लूड क्या क्या आते हैं. वैसे आप जानते हैं स्टार्च भी आपका पॉलीसेकेराइड्स है. जैसे अगर हम देखें स्टार्च एग्जांपल में, तो ये भी आपका पॉलीसेकेराइड्स है. और सेकेंड अगर हम देखें सेलोज भी आपका पॉलीसेकेराइड है. स्टार्च तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि स्टार्च जो है यह एज ए डाइटरी फूड है. फूड में हमको ऑप्टेन होता है, जैसे आपका जो है व्हीट है, राइस है, इसमें हमको स्टार्च ऑप्टेन होता है. स्टार्च आपका डाइटरी फूड है. और ये जो सेलोज है, सेलोज प्लांट बॉडी में पाया जाता है, प्लांट सेल इसी का बना होता है. और ये सेलोज अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट में हमारे अर्थ पे अगर देखा जाए तो अर्थ पे सबसे अधिक सेलुलोज की क्वांटिटी है. और एक हम देखेंगे ग्लाइकोजन भी आपका पॉलीसेकेराइड है. और ये ग्लाइकोजन्स जो है ये एक तरह से एनिमल स्टार्च को नाम देते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ती है, ग्लूकोज स्ट्रा होते हैं, तो इसका होता है ग्लाइकोजेनेसिस, क्लियर. जब ग्लूकोज एक्सेस होगा तो होगा ग्लाइकोजेनेसिस. तो ग्लाइकोजेनेसिस थ्रू ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ये हमारे लीवर सेल्स में, मसल्स में स्टोर होता है, जो इमरजेंसी फूड है. जब हमको कहीं कभी फूड नहीं मिलता है और हमें फूड की आवश्यकता होती है, एनर्जी की हमारे बॉडी में लैकिंग होती है, सबसे पहले ग्लाइकोजन ही जो है ये इसका लिसिस होता है और ये बनाता है ग्लूकोज. इसका मीन्स है कि यह भी जो है ग्लूकोज का पॉलीमर है. तीसरे से स्टूडेंट्स ये तीनों आपके पॉलीमर हो गए. पॉलीमर हम उसको कहते हैं जिसमें पॉलीमर हो. पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, अमर मीन्स यूनिट, जिसके जिसमें बहुत ज़्यादा यूनिट हो. तो इसमें भी स्टार्च में हम देख रहे हैं ये ग्लूकोज, इसमें वो पॉलीमर है, सेलोज पॉलीमर है, ग्लाइकोजन पॉलीमर है. सब क्या है आपके, ये सब बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर है. जब पॉलीमर आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो वहाँ आपको ये मिलेगा कि पॉलीमर कुछ ऐसे होते हैं जो बायो डिग्रेडेबल होते हैं और बहुत से पॉलीमर जो होते हैं बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं. तो ये बायो डिग्रेडेबल का जो है एग्जांपल्स है. तो चलिए हम लोग एक एक करके थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं. पॉलीसेकेराइड्स कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स. पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड के बहुत से नंबर होते हैं. यूनिट ज्वाइंट टुगेदर, जो ज्वाइंट होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो ग्लाइकोसिडिक लिंक से जुड़े होते हैं. तो स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान रखेंगे. कार्बोहाइड्रेट में कभी कभी पूछा जाता है किस टाइप का बॉन्ड होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. दीज आर द मोस्ट कॉमनली इको इंकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट नेचर्स. दे मेनली एक्ट एज ए फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल. तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स है ये क्या है कि फूड स्टोरेज करने वाला है, ये स्ट्रक्चरल मटेरियल है. जैसे हमने आपको इसके पहले बताया कि स्टार्च आपका फूड स्टोरेज है, ग्लाइकोजन आपका स्टोरेज है, और आपका जो है
सेलुलोज ये स्ट्रक्चरल मटेरियल है। तो चलिए हम एक को देख लेते हैं पॉलीसेक्राइड में। फर्स्ट हम आते हैं स्टार्च पे। फर्स्ट स्टार्च, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट्स। स्टार्च जो है प्लांट का स्टोरेज सेक्राइड्स है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायट्री सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जैसे आपको इसके पहले बता चुके हैं, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। इट इज ए पॉलीमर ऑफ, स्टूडेंट से यहाँ आप फोकस कीजिएगा कि स्टार्च क्या है, पॉलीमर है किसका, अल्फा ग्लूकोज का। एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन्स। तो ये स्टूडेंट से इसमें थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि जो यह आपका स्टार्च है ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, और ये जब अल्फा ग्लूकोज पॉलीमर बनाता है तो इसमें टू स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्टार्च वाटर इनसॉल्युबल क्यों है जबकि ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो इसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये दो वर्ड्स हैं और ये दोनों अल्फा ग्लूकोज से ही बने होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं और इनका जो है परसेंटेज भी सिमिलर नहीं होता। जैसे हम यहाँ देख लें जो आपको दिया है कि एमाइलोज, अब एमाइलोज की बात करें, एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल, क्लियर। कंपोनेंट्स विच कंसिस्टेंट अबाउट 15-20% ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च में जो आपका ये एमाइलोज है, एमाइलोज ये कितना है, 15-20%, क्लियर। केमिकली एमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच चेन विद 200-1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड बाय कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखेंगे केमिकली एमाइलोज क्या होता है, ये अनब्रांच है, क्लियर, ये अनब्रांच होता है और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है, और एमाइलोज जो है अनब्रांच, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच। और इसके साथ साथ क्या होता है कि एमाइलोज जो एमाइलोज है यह 200-1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होता है, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है वह कार्बन जो है C1 और C4 और कैसा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एमाइलोपेक्टिन की, चलिए यहाँ देख लेते हैं एमाइलोपेक्टिन का। तो एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल वाटर, कन्फर्म, एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 80-85% ऑफ स्टार। तो एमाइलोपेक्टिन जो है स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि एमाइलोपेक्टिन 80-85% है स्टार्स का, और यह वाटर क्या है, इनसॉल्युबल है, और इसके साथ साथ ये एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ब्रांच होता है, क्लियर। तो ब्रांच है, इनसॉल्युबल है और 80-85 है, इस रीजन से मेजोरिटी एमाइलोपेक्टिन को ही, एमाइलोज ये आपका जो है मेजर हो गया और एमाइलोज आपका माइनर हो गया, ठीक है। तो यह ऐसे कंडीशन में स्टार्च इनसॉल्युबल होता है। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है एमाइलोज का जो आप देख रहे हैं कि एमाइलोज की स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं सर, जो है यह भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, यह भी अल्फा डी ग्लूकोज है, यह भी अल्फा डी ग्लूकोज है। तो वन अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज कार्बन नंबर 4, यहाँ बनता है आपका जो है अल्फा लिंक, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड, है ग्लाइकोसिडिक बांड है, क्लियर। तो और इसका शेप कैसा है, स्ट्रेट चेन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एमाइलोपेक्टिन का। हाँ स्टूडेंट्स, हम ये देख रहे हैं एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है, तो एमाइलोपेक्टिन में हम क्या देखेंगे कि जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह कार्बन नंबर 1 और यह जो है ब्रांच, ये बॉन्डिंग बना रहा है, और बॉन्डिंग किससे बना रहा है, आप यहाँ देखिए कार्बन नंबर 6 से। तो इस तरह से यह कार्बन नंबर 6 यहाँ बॉन्ड बनाएगा, जो कार्बन नंबर इसमें 6 है, तो इस तरह से ये आपका जो है ये ब्रांच हो जाता है, और ब्रांच होने से यह जो है इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ फिगर आपको दिखाया गया है, जो आप इसको देखिए कि
यूनिट इन विच चेन फॉर्म्ड C1C4 ग्लाइकोसिडिक, ये तो आपका एमाइलोज का है। व्हेन ब्रांचिंग आकर बाई C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये C1 और C6 से कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 जो है ऐसे लिंक होते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें जो आपकी आपको शो किया जा रहा है, जो ब्रांचिंग फॉर्मेशन होगा, जो ब्रांच आपको यहाँ शो किया जा रहा है एमाइलोपेक्टिन के लिए, तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन्स स्टार्च के 2 पार्ट होते हैं, और जिससे स्टार्च आपका जो है अपना प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए अब हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट ग्लाइकोजन के विषय में। जो ग्लाइकोजन हम देखेंगे, सेल्लोज, तो सेल्लोज आकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट एंड इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। तो यह पॉइंट जो स्टूडेंट देख आप देख रहे हैं कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ओके, इट इज ए प्रीडोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। तो यह सेल वॉल प्लांट आप पढ़े होंगे, प्लांट सेल सेल वॉल जो है सेल्लोज का ही बना होता है, और सेल्लोज इज ए स्टेट चेन। सेल्लोज क्या होता है? स्टेट चेन होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं स्टेट चेन, लेकिन इसमें क्या होता है? बीटा लिंक, ये होता है आपका जो है बीटा लिंक होता है, क्लियर। तो इसमें स्टूडेंट्स यहाँ क्या देख रहे हैं कि पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज। तो सेल्लोज में क्या होता है कि बीटा सेल्लोज में होता है बीटा डी ग्लूकोज। यूनिट्स विच आर ज्वाइंट बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट्स एंड C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट्स। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाया जा रहा है कि ये C1, ये 1 है, और ये आपका जो है जिस नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, ये 5, ये आपका 6 है, क्लियर। तो सेम ऐसे ही कार्बन नंबर 1 है, ये यहाँ कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 1 है। तो कार्बन नंबर 1 अटैच किससे? कार्बन नंबर 4 से, और कैसा है? ये बीटा लिंक है, क्लियर। तो इसमें बीटा डी ग्लूकोज, इसमें 2 प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्या है कि यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज का, जैसे आपका स्टार्च क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज का था, और ये बीटा डी ग्लूकोज का है। और उसके बाद जो है ये देख रहे हैं कि C1 और C4 का बॉन्डिंग है, लेकिन कैसा बॉन्डिंग है? यह बीटा लिंकेज है, बीटा लिंकेज। और स्टार्च में क्या था? स्टार्च में आपका अल्फा लिंकेज था। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन्स। स्टूडेंट्स इसके पहले हमने आपको बताया कि अगर हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता है तो हमारे जो सेल्स हैं, जो लीवर सेल्स हैं, वो लीवर सेल्स क्या करते हैं? अगर एक्टिव हैं तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में, जो कि हमारा इमरजेंसी फूड होता है। और लीवर सेल्स एक्टिव नहीं होते हैं तो ऐसे कंडीशन में इंसुलिन का सेक्रेशन अगर पैनक्रियाज नहीं करता है तो ग्लूकोज के अमाउंट बढ़ने पर वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में निकल जाएंगे और हमारे यूरिन से बॉडी से आउटेड होते हैं। तो ऐसे कंडीशन हम कहते हैं टाइप 2 डिजीज को हम कहते हैं जो है शुगर, ये डायबिटीज, क्लियर। इसलिए अपने बॉडी को, हेल्थ को अच्छी, और हमारा मेटाबॉलिज्म सही हो, कंफर्म ढंग से चले, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमारे जितने इंटरनल सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो सब एग्जैक्ट वर्क करने चाहिए। इसके लिए जो है आप जो है हेल्थ, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हेल्थ एंड डिजीज में अब इसको हम पूरा डिटेल करेंगे, अगर मैथ के आप स्टूडेंट्स हैं तो ये आप जो हेल्थ एंड डिजीज आप जो है इसको आपको पढ़ना होगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो है अपना हेल्थ सही रखना। तो अब हम इसमें देख लेते हैं, क्लियर। ग्लाइकोजन इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चरल इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच, और यह बहुत ही हाईली ब्रांच भी होता है। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, ये मसल्स एंड ब्रेन, क्लियर। ये लीवर में, मसल्स में, ब्रेन प्रेजेंट होता है। व्हेन द बॉडी नीड ग्लूकोज, जब बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, तब एंजाइम क्या करता है कि ग्लाइकोजन को
ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करता है। ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी, ग्लाइकोजन जो ईस्ट और फंगी में भी पाया जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट एनिमल दोनों के लिए बहुत इसेंशियल है। दे फार्म ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड, हमारे फूड का मेजर पोर्शन है। नियर अबाउट 80% जो हमारा फूड है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। हनी हैज बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, हनी जिसे आप लोग शहद कहते हैं ये लॉन्ग टाइम से यूज किया जाता है। एज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें बहुत एनर्जी देता है। वैद से वैद इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वैद जो है मेडिसिन में आयुर्वेदिक सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। सेल वाला बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल वाल एंड प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज बना होता है। इट बल्ड फर्नीचर, सेलुलोज से फर्नीचर बनाते हैं एक्सेट्रा। फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ फूड, एंड क्लाथ आवर सेल भी सेलुलोज, और क्लाथ भी हमारे सेलुलोज ही होते हैं जो कॉटन क्लाथ होते हैं, कॉटन क्लाथ इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर, जो कॉटन फाइबर होते हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल्स, पेपर, लिक्वर्स एंड ब्रेवरीज। ओके, टू कार्बोहाइड्रेट्स जो आप देखेंगे डी राइबोज एंड टू डी ऑक्सी डी राइबोज, जिसको हम लोग इसी सेक्शन में आगे पढ़ेंगे, वो कहाँ होता है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन विथ मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन्स और लिपिड में मिक्स फॉर्म में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो पॉलीसेकेराइड थे, तो पॉलीसेकेराइड का डिस्क्रिप्शन हमने कर दिया, और यहाँ कुछ आपको इंटरेस्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा आप देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का सलूशन आपको जो है प्रयास करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ग्लूकोज आर सुक्रोज आर सॉल्व इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन आर बेंजीन आर इन सॉल्व इन वाटर। तो ये बेंजीन है या साइक्लोहेक्सेन है, इसमें हाइड्रोजन बांड नहीं होता है, और ये ग्लूकोज सुक्रोज में हाइड्रोजन बांड होता है, इसलिए सॉल्वबल होता है। या तो और अदर रीजन्स और हो सकते हैं जिसको आप स्टूडेंट्स इसको आप फाइंड आउट कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज का हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टूडेंट्स, हमने डाइसेकेराइड में जो हमारा वीडियो लेक्चर डाइसेकेराइड का था, उसमें हमने जो है सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज इन तीनों का जो है हमने आपको बताया था कि अगर लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस करने पर आपको ऑप्टेन होता है, हाँ स्टूडेंट्स, तो जो ये बात हम कर रहे थे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलता है कि बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक, और बीटा डी ग्लूकोज, तो ये ऑप्टेन होता है ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो ये हमारे वीडियो लेक्चर डाइसेकेराइड्स का में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इंटेस्ट का, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटा एसिड ऑफ डी ग्लूकोज। तो पेंटा एसिड ऑफ डी ग्लूकोज में ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या है कि हाउ डू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड एब्सेंस है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको भी हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज आप ग्लूकोज में इसको आप चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में जो आपको दिखाया गया उसको जो है केयरफुल्ली आप इसे नोट बनाएंगे, और इसको एक एक पॉइंट को जो है अपने माइंड में सेट करेंगे, जिससे आपके कंपटीशन में या आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक्स।